हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बेसिकली यह स्टॉक तो अगर आप अभी के टाइम पे देखोगे तो प्रीवियस सेशन में 0.65% की तेजी देखने को मिला और यहाँ पे 5 डेज की अगर बात करें तो 0.89% की तेजी देखने को मिला। इसके साथ साथ अगर हम एक साल की बात करें या 6 मंथ की बात करें तो यह स्टॉक में एक तरह से एक साल में तो तेजी है, लेकिन 6 मंथ में 10% से ज्यादा स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। करीब करीब अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 अप्रैल 2024 को यह स्टॉक 295 रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन वहां से यह स्टॉक एक तरह से बहुत तेजी से गिरावट भी देखने को मिला है। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी है, जो आपको पता ही होगा। और रिलायंस इंफ्रा की अगर हम देखें तो यहाँ पे आप REL इंफ्रा करके NSE में साइन दिया गया है। आज यहाँ पे कंपनी Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स पब्लिश करने वाली है, तो क्या ये कंपनी वापस फिर से लॉस करेगी या वापस फिर से प्रॉफिट में आ सकती है या नहीं आ सकते है? इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे बात करें, खास करके दिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट्स पे बात करें, तो यहाँ पे जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स है उसमें कंपनी का एक तरह से अगर आप देखोगे तो जो इनका एक सेल्स है वो दिसंबर से दिसंबर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेल्स तो कंपनी ने इंक्रीज किया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्जिन भी कंपनी 7% से बढ़ा के 12% करती हुई नजर आई है। लेकिन कंपनी का एक तरह जो अदर इनकम है 673 करोड़ से घट के 405 करोड़ हो गया था। कंपनी का इंटरेस्ट 657 करोड़ से घट के 578 करोड़ हुआ। लेकिन कुल मिला के अगर हम बात करें तो कंपनी का जो टैक्सेस जो एक तरह से देखने को यहाँ पे 7 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा था, लेकिन जो यहाँ पे टैक्सेस 228% देती हुई नजर आई, उसकी वजह से कंपनी को 301 करोड़ का लॉस देखने को मिला। होपफुली अगर हम बात करें दोस्तों, तो मार्च क्वार्टर में जो इतना बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है 2484 करोड़ का लॉसेस जो देखने को मिल रहा है 2023 वाला, इसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे मल्टीफोर्स एक तरह से जंप कर सकती है नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ पे एक तरह से अगर हम देखें तो 2484 करोड़ का लॉस है तो ये 100 करोड़ 200 करोड़ पे आ सकती है, 300 करोड़ पे आ सकती है। तो यहाँ पे एक तरह से जो लॉसेस है वो एक तरह से कम होता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी का जो सेल्स है वो करीब करीब अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4800 से 5000 करोड़ तक यहाँ पे कंपनी सेल्स करती हुई नजर आ सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है रिलायंस इंफ्रा का। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे तो कंपनी का कुल मिला के रिजल्ट्स है जो एक तरह से इम्प्रूवमेंट वाइज अच्छा आता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर की बात करें, बड़े इंस्टीट्यूशंस अभी के टाइम पे इस स्टॉक के अंदर क्या कर रहे हैं, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर है जो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू बरकरार रखे हुए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे लंबे समय में अगर आप देखो तो ये खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन FIS की होल्डिंग अगर हम बात करें तो FIS बिकवाली कर रहे हैं, DIS बिकवाली करते हुए नजर आए हैं रिसेंट क्वार्टर में। और यहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग है जो स्टेबल है, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है रिलायंस इंफ्रा के अंदर। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट उतना अच्छा नहीं कंपनी का। 9206 करोड़ इनके पास रिजर्व्स देखने को मिल रहा है फिलहाल, और इनके पास अगर आप बोरोइंग की बात करें तो 10821 करोड़ बोरोइंग है, यानी मतलब बोरोइंग इनके पास ज्यादा है, कर्ज ज्यादा है और यहाँ पे इनके पास रिजर्व्स कम है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे पुराने डेटा पे नजर डालोगे तो 30,000 करोड़ का कंपनी के पास यहाँ पे बोरोइंग था, वो कम करके अब 10,000 करोड़ पे ले आई है। यानी कंटिन्यू कंसिस्टेंट कंपनी कोशिश कर रही है कि इसको डेप्ट फ्री बनाना है, और CWIP में भी कंपनी कंटिन्यू वर्क कर रही है, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है। यानी मतलब कंपनी अब यहाँ पे ग्रो करने लग गई है एक तरह से अगर हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे स्टॉक पे एक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा का बहुत सारी चीजें अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे सुधार होता हुआ नजर आएगा। बेसिकली मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 6,754 करोड़ का फिलहाल देखने को मिल रहा है, और डिविडेंड कंपनी नहीं पे करती क्योंकि कंपनी के पास अभी प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन पेट्रेस्की स्कोर यहाँ पे देखोगे तो 5 की रेटिंग दिया है, तो एक अच्छी खासी यहाँ पे रेटिंग भी देखने को मिल रहा है कंपनी का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे पहले तो कंपनी का जो एक तरह से सेल्स था वो 17 करोड़, यहाँ पे 18 करोड़, 19 करोड़ पे था, लेकिन अब यहाँ पे एक तरह से 22 करोड़ और 21 करोड़ होता हुआ नजर आया। सेल्स इंप्रूव हुआ है, लेकिन यहाँ पे लॉसेस कंपनी का बढ़ गया है,
तो ये लॉसेस को अब यहाँ पे कम करती हुई नजर आ सकती है इस क्वार्टर से रिलायंस इंफ्रा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलिएगा, लेकिन मेरे तरफ से किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं होगा दोस्तों। फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।